खिचड़ी की कहानी बहुत समय पहले की बात है एक पेड़ पर तीन दोस्त रहते थे जिसमें गिलहरी और कौआ पेड़ के ऊपर और एक चूहा पेड़ के तने में बिल बना कर रहता था तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे तीनों आपस में खेलते खाते और मस्ती करते एक दिन अचानक उन्होंने सोचा कि हम रोजाना एक जैसा ही खाना खाते हैं क्यों ना मोह का टेस्ट थोड़ा सा चेंज करने के लिए कुछ अलग बनाया जाए मैं तो रोजाना फल खा करके तंग आ गई हूँ मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा खाऊं जिससे कि मुंह का टेस्ट भी चेंज हो जाए और मज़ा भी आ जाए तुमने तो मेरे मन की बात कर दी सोचो कि क्या खाना चाहिए जो जल्दी से बन भी जाए जल्दी से तो सिर्फ खिचड़ी ही बन सकती है क्यों ना हम सब मिलकर शुद्ध घी में खिचड़ी बनाएं? हाँ ये ठीक रहेगा ये जल्दी से बन भी जाएगा और इसमें खूब सारी दाल और सब्जियाँ होंगी तो मुंह का टेस्ट भी चेंज हो जाएगा उसके बाद तीनों दोस्त मिलकर खिचड़ी बनाने का प्रोग्राम बनाते हैं तीनों दोस्त थोड़ा थोड़ा सारा सामान लेकर आते हैं और गिलहरी कहती है सारा सामान आ गया है खिचड़ी बनाने का चलो हम लोग मिलकर खिचड़ी बनाना शुरू करें। सबसे पहले हम आग जलाएंगे ठीक है तुम आग जलाओ और हम खिचड़ी के लिए उस पर पतीला रखते हैं मैं पतीले में शुद्ध घी डाल देती हूँ शुद्ध घी से बनाई गई खिचड़ी बहुत ही टेस्टी होती है गिलहरी पतीले में शुद्ध घी डालकर चावल और अन्य चीजें डाल देती है और जैसे ही शुद्ध घी पतीले में पिघलना शुरू होता है उसकी खुशबू आस पास सब तरफ फैल जाती है तभी वहाँ से एक बंदर गुजरता है और वो शुद्ध घी की खुशबू से ठिठक के रुक जाता है अरे वाह कितनी प्यारी शुद्ध घी की खुशबू आ रही है लगता है जंगल में कोई कुछ बना रहा है देखता हूँ यह खुशबू कहाँ से आ रही है और बंदर देखता है कि एक पेड़ के नीचे गिलहरी कोवा और चूहा मिलकर खिचड़ी बना रहे हैं और वो खिचड़ी बनता देख अरे वाह खिचड़ी की खुशबू ओहो याद ही नहीं आ रहा कि लास्ट टाइम कब खाई थी इन तीनों ने तो जरूर उतनी ही खिचड़ी बनाई होगी जितनी इन्हें खानी होगी अगर मैं इनसे मांगूंगा तो ये मुझे थोड़ी सी ही देंगे मुझे ही कोई तरकीब लगानी होगी कि ये सारी खिचड़ी मैं खा लूं। और वो उन तीनों के बीच में फूट डालने की सोचता है अरे वाह जंगल में इतनी अच्छी शुद्ध घी की खुशबू आप तीनों की वजह से आ रही है मैं जान सकता हूँ कि आप तीनों मिलकर क्या बना रहे हो हम लोगों ने बहुत दिनों से फल के अलावा कुछ नहीं खाया था इसीलिए हमने सोचा कि आज हम अपने मुंह का टेस्ट चेंज करने के लिए घी की खिचड़ी बनाएं ये तो बहुत अच्छी बात है काश मेरे भी दोस्त होते और हम सब भी मिलकर खिचड़ी बनाते क्या खिचड़ी बन चुकी है नहीं नहीं अभी पकने में टाइम लगेगा माफ़ करना दोस्त खिचड़ी हम तीनों के लिए ही पर्याप्त है हम इसमें तुम्हें कुछ नहीं दे सकते अरे नहीं मैं खिचड़ी खाने के लिए नहीं रुका हूँ मुझे तो बस खिचड़ी की खुशबू यहाँ खींच लाई मैं तो अभी अभी खाना खा कर आया हूँ मेरा पेट तो पूरा भरा हुआ है अच्छा अच्छा तो कोई बात नहीं अच्छा मैं तुम तीनों से एक बात पूछूं हाँ, हाँ, पूछो ये खिचड़ी बनाने का आइडिया सबसे पहले किसको आया ये आइडिया तो मेरा था तुम झूठ बोल रहे हो ये आइडिया मेरा था तू भूल रही है सबसे पहले मैंने ही कहा था कि खिचड़ी बनाते हैं तुमने कहा था कि कुछ ऐसा बनाते हैं जो जल्दी बन जाए पर खिचड़ी का आइडिया मेरा था वह दोनों बहस करने लग जाते हैं और जब कोवा ये देखता है तो वो भी उनकी लड़ाई में घुस जाता है आइडिया किसी का भी हो पर सामान तो मैं लेके आया था ना? सारा सामान तुम कैसे लेकर आए थी लकड़ियाँ तो मैं लेकर आई थी पराग मैंने जलाई थी अरे अरे तुम तीनों लड़ क्यों रहे हो मैं बताता हूँ गिलारी सच कह रही है क्योंकि वो एक स्त्री है और जरूर ही ये ख्याल सबसे पहले उसी के मन में आया होगा देखा ये तो हमारा दोस्त भी नहीं है फिर भी ये जानता है कि खिचड़ी बनाने का आइडिया मेरा ही था तुम स्त्री हो इसलिए तुम इस बात का फायदा उठा रही हो लेकिन सच तो ये है कि ये आइडिया तुम्हारा था ही नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ कि खिचड़ी बनाने का आइडिया मेरा था ये तो हमेशा बस बैठे बैठे हुक्म चलाती रहती है तुम पर मैंने आज तक कौन सा हुक्म चलाया है तुम इस तरह कैसे बात कर रहे हो हाँ, मैं भी इस बात पे कौए का साथ दूंगा तुम बहुत बारी अपनी मनमानी करती हो तुम दोनों साथ मिलकर अगर मुझसे लड़ाई करना चाहते हो तो कर लो मैं अकेले ही काफी हूँ तुम्हारे लिए देखो तुम अभी अभी हम दोनों को धमकी दे रही हो तुम शुरू से ही ऐसी हो हमारी ही गलती है कि हमने तुम्हें अपना दोस्त बनाया तुम जरा हमारी खिचड़ी देखना जरा मैं आज इन दोनों को बता दूं कि मैं इन लोगों से कम नहीं हूँ जब भी लोगों का खाने का कुछ मन करता है तो सबसे पहले मैं ही बनाती हूँ और आज भी खिचड़ी मैंने ही बनाई है अरे वाह मेरी चाल तो कामयाब रही अब ये तीनों अपनी लड़ाई में व्यस्त हो जाएंगे और तब तक खिचड़ी भी बन जाएगी मैं अकेले ही खिचड़ी का मजा लूंगा बस तब तक मुझे इन तीनों को शांत नहीं होने देना चाहिए हम्म अरे बहन तुम सच बोल रही हो मैं तुम्हारे साथ हूँ मैंने तुम्हें कई बार देखा है कि तुम ही सब कुछ कर रही होती हो ये चूहा तो बस अपने बिल में चला जाता है और ये कौवा दूसरों की नींद हराम करता है ऊपर बैठ कर काओ, काओ, काओ करके क्या कहा मैं नींद हराम करता हूँ अरे मैं तो सबको आगाह करता हूँ जब कोई खूंखार जानवर इधर की तरफ आ जाता है मेरे इस स्वभाव के कारण कितने जानवरों की जान बचती है बात करते हो और मैं सबको बताता हूँ जब बहुत तेज बारिश के बाद जंगल में पानी भर जाता है तो मैं सबको बताता हूँ कि सब अपने आप को ऊंचे स्थानों पर ले जाओ तुम दोनों तो महान हो सब कुछ तो तुम ही लोग करते हो मैं तो बस ऐसे ही पेड़ पर बैठी रहती हूँ हाँ तुम अधिकतर पेड़ पर बैठी रहती हो और फिर ये लड़ाई हाथापाई तक पहुँच जाती है तीनों दोस्त अब दुश्मनों की तरह लड़ रहे होते हैं और उधर बंदर खिचड़ी तैयार होने का इंतजार कर रहा होता है और जैसे ही खिचड़ी तैयार होती है बंदर उसे लेकर पेड़ के ऊपर बैठ जाता है ये तीनों कितने मूर्ख निकले अपनी मेहनत को इन्होंने अपने हाथों से ही मुझे दे दिया वाह खिचड़ी तो बहुत टेस्टी बनी है बस जल्दी से ठंडी भी हो जाए तो मैं इसे खाकर चला जाऊंगा तुम दोनों इस लायक ही नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करूं। मैं आज ही यहाँ से चली जाऊंगी फिर तुम दोनों मजे से यहाँ रहना और फिर देखती हूँ कि कौन तुम्हारे लिए मज़ेदार खाना बनाएगा हाँ हाँ, चली जाओ तुम क्या सोचती हो कि तुम खाना नहीं बनाओगी तो हमें खाना बनाना नहीं आता हाँ तुम चली जाओ वैसे भी तुम बहुत लड़ाकू हो अपने काम को बढ़ा चढ़ा कर बताती हो उन तीनों की लड़ाई भयानक मोड़ पर आ जाती है तीनों की लड़ाई का शोर इतना अत्यधिक होता है कि आसपास के जानवर भी आकर देखने लगते हैं कि आज इन तीनों के बीच में आखिर क्या हुआ है अरे अरे वैसे हमें तुम्हारी लड़ाई में कुछ न तो नहीं चाहिए पर हमने आज से पहले तुम तीनों को इतना लड़ते हुए कभी नहीं देखा क्या बात हो गई जो तुम तीनों इतनी लड़ाई कर रहे हो तुम्हारी लड़ाई का शोर दूर दूर तक जा रहा है हाँ टोटा सही कह रहे हो आज से पहले हमने कभी तुम्हें इतना लड़ते हुए नहीं देखा आखिर हमें भी तो पता चले कि ऐसा क्या हो गया कि तुम तीनों इतनी बुरी तरीके से लड़ रहे हो ये सच्चाई की लड़ाई हो रही है हमने आज खिचड़ी बनाने की योजना बनाई थी पर खिचड़ी बनाने का आइडिया मेरा था पर ये दोनों मान ही नहीं रहे हैं और जिस वजह से ये दोनों मुझे भला बुरा कह रहे हैं हमने कहा ना कि हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना तुम चली जाओ यहाँ से तुम तीनों एक खिचड़ी के लिए अपने बरसों की दोस्ती क्यों खराब कर रहे हो बैठ कर सुलह करो अरे इस तरह की लड़ाई तुम तीनों को शोभा नहीं देती तुम तीनों अच्छे दोस्त हो और फिर इसमें क्या फर्क पड़ता है कि किसका आइडिया था खाना तो तुम तीनों को ही है ना ये सब अच्छा नहीं लगता देखो तुम्हारा शोर सुनकर सब लोग यहाँ अपना काम छोड़कर इकट्ठा हो गए हैं हाथी दादा ठीक कह रहे हैं खिचड़ी खाना तुम तीनों को है तो लड़ क्यों रहे हो इस तरह तो दोस्ती पर से लोगों का यकीन ही उठ जाएगा बहुत हो गई दोस्ती अब मुझे इन दोनों के साथ नहीं रहना है अरे वो देखो पेड़ के ऊपर तुम तीनों की लड़ाई का फायदा कोई और उठा रहा है जैसे ही गिलहरी पेड़ के ऊपर चढ़ने लगती है वो देखती है कि बंदर बड़े आराम से मजे ले लेकर उनकी खिचड़ी खा रहा है और यह देख कर वो कुए और चूहे से बोलती है मुझे स्त्री स्त्री कर रहे थे ना ये देखो तुम दोनों के होते हुए हम तीनों का खाना वो बंदर कितने मजे से लेकर खा रहा है अरे ये तो बड़ा चलाक निकला हम तीनों को आपस में उलझा कर देखो हमारा सारा खाना खा लिया ये इसने अच्छा नहीं किया मैं अभी इससे अपनी खिचड़ी वापस लेकर आता हूँ तब तक बंदर खिचड़ी खाकर बर्तन को नीचे फेंक देता है और तीनों से बोलता है तुम तीनों ही कान के कच्चे हो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है मुझे तो खिचड़ी खानी ही थी तो मैंने अपना दिमाग लगाया पर तुम तीनों एक दूसरे की तारीफ सुन ही नहीं पाए और मैंने बड़ी आसानी से तुम तीनों को अलग अलग कर दिया और वैसे भी तुम तीनों को बताना चाहता हूँ कि शुद्ध घी की खिचड़ी बहुत अच्छी बनी थी स्वादिष्ट थी उधर कोआ गिलहरी और चूहा तीनों अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं और बंदर की चालाकी पर खुद को कोसते हैं हम तीनों नालायक हैं, जो दूसरे की बात में आ गए और खुद अपने हाथों की मेहनत से बनी खिचड़ी बंदर को दे दी